हेलो बेटा, वेलकम बैक बेटा। आज जो हम टॉपिक करने वाले हैं एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक पे बेटा मैंने थ्री वीडियोस बनाई हैं। तीनों वीडियोस में डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन हैं, क्योंकि एक वीडियो में कवर नहीं हो सकते थे। ठीक है बेटा, आइए बेटा स्टार्ट करते हैं। रिड्यूस द इक्वेशंस इन टू लीनियर एंड सॉल्व। बेटा ये जो इक्वेशंस आप देख रहे हैं, इसमें आप एक चीज ऑब्जर्व करेंगे, आप पूरे चैप्टर में जब भी लीनियर इक्वेशन मिलती थी तो एक्स ऊपर होता था, न्यूमरेटर में होता था, राइट? ये ऊपर होता था। अब इस वाले में क्या है, ये नीचे है, वेरिएबल सब नीचे नजर आ रहे हैं आपको। इसका मतलब इसके अंदर हमें पहले इसको ठीक करना पड़ेगा। कैसे ठीक करेंगे, आओ बेटा एक टेक्निक बताता हूं। बच्चे तो बहुत जल्दबाजी में ये काम करते हैं, लेकिन यही सबसे ज्यादा सेंसिटिव काम है जो मैं अब आपको सिखाने वाला हूं। अगर ये आप ठीक कर लेते हो तो आपके 95% चांस है आगे का क्वेश्चन ठीक रहेगा। आइए स्टार्ट करते हैं बेटा। सबसे पहले एक्स वालों के पास आपने ध्यान देना है, दोनों एक्स वाली जो टर्म्स है इनके ऊपर ध्यान देना है। इधर देखो, ये टू है, ये फोर है। इस फोर टू के तो फैक्टर बन नहीं सकते, फोर के फैक्टर बना लो आप। टू टू द फोर, गॉट इट? अब देखो ऊपर, देखो इधर ऊपर क्या है, टू। इधर ऊपर क्या है, फोर को मत देखना आप, कहना टू और टू, सर टू टाइम्स टू है। टू इसके पास भी है, टू इसके पास भी है, तो इधर टू लिख दो, ठीक है? अब अपॉन का साइन, क्योंकि न्यूमरेटर का काम हो गया। नीचे क्या है, दोनों के पास रूट एक्स है, रूट एक्स लिख दो। जो चीज कॉमन न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में हो वो लिख दो, ठीक है? अब इधर आ जाओ वाई वाले पे, थोड़ा सा डिस्टेंस देके यहां पे भी लिख देना। इन दोनों में से देखो, नाइन के फैक्टर हो सकते हैं, नाइन के कर दो, थ्री इंटू थ्री इसके हो नहीं सकते। तो ये ऊपर, अब देखो इसके न्यूमरेटर में और इसके न्यूमरेटर में इधर भी थ्री है, इधर भी थ्री है, तो थ्री लिख दो। नीचे रूट वाई है, रूट वाई है, यस। जो चीज दोनों के न्यूमरेटर में हो वो ऊपर, जो चीज दोनों के डिनोमिनेटर में हो नीचे, ठीक है? बस इन दोनों वैल्यूज को हम कहेंगे भाई आज से तुम्हारा नाम बदल दिया है। टू बाय रूट एक्स का नाम ए रख दिया और थ्री बाय रूट वाई का नाम बी रख दिया। सिर्फ नाम रखे गए हैं, ठीक है, वैल्यूज नहीं दी गई हैं। अब हम क्या बोलेंगे, टू और रूट एक्स, टू अपॉन रूट एक्स, भाई तेरा नाम यहां से तू हट जा, तेरा नाम आगे से क्या हो चुका है, ए। प्लस है तो प्लस लगाओ, थ्री अपॉन रूट वाई को कहो भाई तू हट जा, बी है तेरा नाम, ठीक है, इज इक्वल टू टू, इक्वल टू सब वैसे ही लगाने हैं। इधर देखो ध्यान से बेटा, यहां मिस्टेक होने के चांस है। इस टू को आप कहोगे हट जा, इस रूट एक्स को कहोगे हट जा, क्योंकि तेरा नाम ए हो चुका है, टू बाय रूट एक्स, लेकिन ये वाला टू तो रहेगा ना, तो एक बार टू को रखो और इस टू और इस रूट एक्स को हटा के कहो तेरा नाम तो ए है, फिर बीच में लगाओ माइनस, ठीक है? अब इधर देखो, थ्री टू टाइम्स है, एक थ्री को तो आप कह सकते हो हट जा, रूट वाई को भी कह सकते हो हट जा, लेकिन ये थ्री को तो नहीं कह सकते, तो ये थ्री लगा रहेगा और इसके साथ आप लगाओगे बी, क्योंकि थ्री बाय रूट वाई का नाम बी पड़ चुका है, इज इक्वल टू माइनस वन। ये स्टेप बेटा अगर आप करेंगे इस तरीके से, तो बेटा हर क्वेश्चन के अंदर बहुत सिंपल कैलकुलेशन रहेगी। अब आप देखो इक्वेशन हमारी इतनी बढ़िया बनी है कि बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएंगी, ठीक है? आइए बेटा स्टार्ट करते हैं। अब इसको सॉल्व करने के थ्री मेथड्स हैं, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ग्राफिक भी है, लेकिन इधर हम सब्स्टिट्यूशन मेथड डिस्कस कर रहे हैं। जिस बच्चे को नहीं आता वो ज्यादा ध्यान से देखेगा कि सब्स्टिट्यूशन मेथड है क्या, कैसे हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से दो इक्वेशन को सोल्व कर सकते हैं। देखिए बेटा, पहले इसके अंदर जो इजी दिख रही हो उस इक्वेशन को पिक करते हैं। इजी ये वाली दिख रही है, ए प्लस बी इक्वल टू टू, उठा लिया, ए प्लस बी इक्वल टू टू हमने उठाया। इसमें से ए की वैल्यू निकालेंगे, मींस ए को सपोज इक्वल की टू साइड्स हैं, ये यूएस है और ये इंडिया है। इंडिया में ए को रहने देना है, ए रहेगा तो भाई ये बी कहां जाएगा, इंडिया में ही है, ये तो इक्वल के इस तरफ है, इसको वहां भेजेंगे यूएस में, लेकिन साइन बदलकर, प्लस का बी वहां जाके बदलकर अपना साइन क्या कर लेगा, माइनस। तो ए की वैल्यू आपने निकाल ली, ठीक है? अब ये ए की वैल्यू आपको कौन सी इक्वेशन ने दी है, फर्स्ट ने दी है ना, तो अब आप वैल्यू किसमें रखोगे, सेकेंड में, ठीक है? तो यहां पे लिख देंगे हम कि भाई मैं ये जो वैल्यू है 2 माइनस बी सेकेंड इक्वेशन के अंदर रखने वाला हूं, तो रखो अब सेकेंड इक्वेशन पहले लिख लो 2a माइनस 3b इक्वल टू माइनस वन, ताकि वैल्यू रखने में इजी हो। 2 का 2 उतारो, a बस a हटा के आपको 2 माइनस बी करना है और बाकी इक्वेशन से कोई छेड़छाड़ नहीं, माइनस का माइनस, 3 का 3, b का b, इक्वल का इक्वल। बच्चे यहां से नीचे स्टेप में आते आते मिस्टेक कर देते हैं, इसलिए मैं चीजें आपको ध्यान से समझाने की कोशिश करता हूं। टू टू द फोर माइनस टू इंटू बी टू बी, इसका मतलब तो यही होता है ना, टू के बाद ब्रैकेट का माइनस थ्री बी इज इक्वल टू माइनस वन। बाकी जो जिस स्टेप को सॉल्व कर रहे हो फोकस उस पर, बाकी सब स्टेप एज इट इज नीचे, ठीक है?
अब ये फोर जो है ये बी बी वाले तो आपस में फ्रेंड है, दोनों टर्म्स फ्रेंड है, ये जो फोर है इसको बोलेंगे तू वहां चला जा, ठीक है, क्योंकि हम दोनों तो यहां पे रहेंगे इंडिया में, तो ये माइनस वन और फोर वहां जाके माइनस का हो जाएगा। अब सॉल्व करो बेटा इसको, टू थ्री माइनस माइनस प्लस, थ्री और टू कितना हो गया फाइव, और साइन बड़े वाले का थ्री का साइन बड़ा है, बी इज इक्वल टू इधर करो माइनस माइनस प्लस, फोर और वन को प्लस करेंगे फाइव, साइन बड़े वाले का। बेटा इन टीचर्स में बच्चों को प्रॉब्लम होती है इसलिए मैं हर चीज डिस्कस करने की कोशिश करता हूं। अब ये माइनस फाइव कहां जाएगा, बी के साथ माइनस फाइव प्रोडक्ट में है, जब भी ऐसा कोई चिपका हुआ नंबर बिल्कुल बी के साथ मिलेगा नीचे जाएगा हमेशा डिवीजन में, कैंसिल फाइव वन द फाइव, तो बी की वैल्यू क्या आ गई वन, अभी काम खत्म नहीं हुआ। अब ए की वैल्यू निकालेंगे, ए की वैल्यू तो हमारी ऑलरेडी निकली हुई थी जी, ये रही ए, देखो ए अकेला था ना इसका मतलब ए की वैल्यू, लेकिन ए की वैल्यू क्या थी, ठीक है, ए इज इक्वल टू हमारे को पता है कि भाई ए की वैल्यू तो निकली हुई है हमारी टू माइनस बी, लेकिन ए कहता है मेरी वैल्यू तब निकलेगी जब तुम बी रख दोगे इसके अंदर, तो टू माइनस बी इज इक्वल टू वन, तो ए की वैल्यू क्या आ गई वन। क्या क्वेश्चन में ए बी की वैल्यू पूछी थी, ए और बी तो था भी नहीं, ये तो तुम अपना नाम लेकर आए हो, तो ये लास्ट में जरूर यूज होता है, अगर कोई बच्चा भूल जाता है तो इधर स्टार मार्क करो कि लास्ट में हम इसको यूज करेंगे। कैसे यूज करना है ध्यान दो, ये जो है जो आपने पुट किया था इसको उठाओ पहले, टू बाय रूट एक्स, नाउ टू बाय रूट एक्स हमारा किसके इक्वल है ए, ये पूरी इक्वेशन उठा लो, बस अब आपको करना क्या है टू बाय रूट एक्स को एज इट इज और ए की जगह पे आपने क्या रख देना है वन, ठीक है, सॉरी टू बाय रूट एक्स इज इक्वल, अब आपको क्या करना है टू बाय रूट एक्स को एज इट इज और ए की जगह की जो वैल्यू आपकी निकली है वो रख दो टू बाय रूट एक्स एज इट इज और ए की जगह पे हमने वैल्यू रख दी। अब वन फ्रैक्शन, वन फ्रैक्शन क्या करते हो क्रॉस मल्टीप्लाई, रूट एक्स को वन से करेंगे रूट एक्स, वन को टू से मल्टीप्लाई करेंगे टू, ठीक है। अब एक्स, अब ये तो ये टोपी तो हटानी है ना, ठीक है, कैसे हटेगी स्क्वेयरिंग करो दोनों तरफ ताकि ये हट जाए, एक्स बचना चाहिए यहां पे, रूट वाला नहीं चाहिए मुझे, तो ये हो गया एक्स और इधर स्क्वेयर करोगे तो टू टू द फोर, एक्स की वैल्यू फोर मिली, अभी तो वाई की भी रह रही है इसको, ये भी तो आपने नाम खुद दिया हुआ है, ये वैल्यू कोई थोड़ा मिली थी आपको ना, ऑल्सो थ्री बाय रूट वाई इज इक्वल टू बी, अब थ्री बाय रूट वाई और बी आप निकाल चुके हो क्या है वन, ठीक है बेटा। अब क्या करेंगे भाई, इधर फ्रैक्शन है इधर भी आप वन लगा के फ्रैक्शन बनाओ, जब दो फ्रैक्शन एक साइड मिल जाए तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, पता है बेटा ये चीजें आपको, रूट वाई इंटू वन रूट वाई, वन इंटू थ्री क्रॉस मल्टीप्लाई थ्री, अब ये रूट तो हटना चाहिए हमें, तो वाई चाहिए रूट वाई थोड़ना चाहिए, तो हटाने का क्या तरीका होता है स्केयरिंग लगा के हटाया जाता है, स्केयर से स्केयर रूट कटते हैं, बच गया ना देखो वाई को अकेला छोड़ना था रख दिया हमने वाई को और थ्री सीधा नाइन, ठीक है बेटा। इस तरह से बेटा एक्स और वाई की इक्वेशन निकल आती है, ये था सब्स्टिट्यूशन मेथड भी आपको एक्सप्लेन हो गया और एक टेक्निक भी पता चल गई किस तरह से कॉमन मेथड से हम ए और बी सिलेक्शन करें, और देखो कितनी सिंप्लीफाइड इक्वेशन बनती है, ठीक है बेटा। आओ एक क्वेश्चन और, हाँ बेटा मैंने एक और क्वेश्चन लिया बेटा, इस क्वेश्चन को करवाने से पहले आई जस्ट वॉन्ट टू रिक्वेस्ट यू, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है और आपको चैनल से इंप्रूवमेंट हो रही है समझ आ रहा है तो बेटा एक बार सब्सक्राइब कर लो, मेरी डेली दो से तीन वीडियोस आती रहती हैं, आपको नोटिफिकेशन भी मिलता रहेगा बेटा, आई अश्योर यू आपका मैथ्स इंप्रूव होगा और साथ ही साथ आपके एग्जामिनेशन रिजल्ट्स भी इंप्रूव होंगे। बस आपको करना क्या है, मेरी हर एक वीडियो को ध्यान से कॉन्सेंट्रेशन के साथ, ठीक है, एक सेपरेट रूम में जाके देखना है और समझने की कोशिश करनी है, आई गारंटी कि आपका मैथ्स इंप्रूव होगा, ठीक है। आइए देखते हैं, अब बेटा ये देखो, अब फिर वही बात है, एक्स नीचे है वाई नीचे है सब यहां पे नीचे नजर आ रहे हैं, तो इसका मतलब हमारे को इसके अंदर वही टेक्निक यूज करनी पड़ेगी। सबसे पहला हम क्या काम करते हैं, ऊपर देखो वन है कॉमन है, कोई ऊपर फैक्टराइज भी नहीं हो सकते, सीधा लिखो वन, ठीक है। अब नीचे आ जाओ डिनोमिनेटर में, अभी पहले हम इसको इसमें से निकालते हैं ना, इन दोनों टर्म्स में से, अब नीचे देखो टू है इसके पास तो नहीं है ना, फैक्टर भी नहीं हो सकते, इसके पास थ्री है इसके पास नहीं है, तो नंबर तो कोई भी कॉमन में नहीं आ रहे। एक्स देखो इसके पास एक्स है इसके पास भी है, यस, तो वन बाय एक्स, ठीक है। और उसके बाद इधर आ जाओ, इधर
इधर देखो ऊपर पहले न्यूमरेटर चेक किए जाते हैं, ऊपर वाले नंबर, यहां वन वन है, वन वन दोनों के पास है, इसके पास थ्री है लेकिन इधर तो नहीं है तो हम नहीं लेंगे, इसके पास टू है लेकिन इधर तो नहीं है, जो चीज दोनों के न्यूमरेटर के पास होगी वो हम इधर न्यूमरेटर में सिलेक्ट करेंगे। और वाई वाई दोनों के पास है तो वाई ले लिया, बस ये सिलेक्शन करने। बच्चे इसमें कई बार मिस्टेक करते हैं बेटा, अब आप ध्यान दो, बस अब करना क्या है, इसको बोलेंगे 1 बाय एक्स को आज से तेरा नाम ए है, और 1 बाय वाई को क्या बोलेंगे आज से तेरा नाम बी है, ठीक है। अब इक्वेशन के अंदर रखते हैं, सबसे सेंसिटिव एरिया है जहां पे मिस्टेक होने के चांसेस हैं। अब रखो देखो, आप बोलेंगे 1 और एक्स को बोलेंगे भाई तेरा नाम तो ए है, तो 1 बाय एक्स को हम ए रख देंगे, लेकिन नीचे वाला 2 कहेगा, जो नीचे था वो कहेगा भाई मेरे को क्यों हटा रहे हो, मेरा नाम थोड़ा ना तुमने रखा है, तो 2 को 2 उसी की लोकेशन में नीचे है तो नीचे ही पड़ा रहने दो। प्लस अच्छा अब हम बोलेंगे 1 और y तू हट जा, तेरा नाम b है, 1y को हटा के b बोलेंगे, लेकिन 3 बोलेगा मैं तो नीचे पहले से ही बैठा हुआ हूं डिनोमिनेटर में, तो तुम b का नाम तो रख दो लेकिन मेरे को तो नीचे यहां रहने दो, इज इक्वल टू 2, गॉट इट। अभी देखो फर्स्ट इक्वेशन, अभी और ध्यान दो, इधर ध्यान दो, अब 1 और x को हटा के बोलेंगे भाई तेरा नाम a है, 1 और x को हटाएंगे a तो लिख देंगे, लेकिन 3 बोलेगा मैं तो पहले से ही वही नीचे हूं मेरे को क्यों हटा रहे हो, 3 प्लस, ठीक है 1 और y को हटाएंगे 2 बोलेगा भाई मैं तो पहले से बैठा हूं, 1 और y का नाम तुमने रख दिया b रख लो लेकिन मेरे को तो बैठा रहने दो, इज इक्वल टू 13/6, गॉट इट। ये इक्वेशन बन गई, लेकिन अभी भी फ्रैक्शन नजर आ रहा है इक्वेशन में, आप कोई भी मेथड नहीं लगा पाओगे, और लगाओगे तो बड़ी डिफिकल्टी होगी, इसीलिए मैंने क्या टेक्निक सिखाई है बेटा, मेरे वीडियो में तीनों मेथड के हैं, और मैं छोटी छोटी बातें भी आपको बताता हूं इसको कैसे एडजस्ट करना है, आप एक बार चेक कीजिए, अगर नहीं आते वो मेथड्स तो एक बार वीडियोस देखिए। अब इनमें फ्रैक्शन खत्म करने हैं बेटा, कैसे फ्रैक्शन खत्म करते हैं, ये देखो ए बाय टू प्लस बी बाय थ्री इज इक्वल टू 2, फ्रैक्शन कैसे खत्म होता है एलसीएम लेके, 2 और 3 का एलसीएम लो, उधर मत देखो, उधर को अभी कुछ नहीं करना, उधर का नहीं लेना, बस इन दोनों का 2, 3, 6, 2 का टेबल पढ़ेंगे 3 पे 6 आता है इसलिए 3 ऊपर मल्टीप्लाई, तो 3 ए बन गया, 3 का टेबल पढ़ेंगे 2 पर आता है 6, 3, 2, 6 होता है ना, 2 को बी से मल्टीप्लाई 2b इज इक्वल टू 2, और यहां पे क्रॉस मल्टीप्लाई 3a प्लस 2b इक्वल टू 6 इंटू 2 कितना हो गया 12, ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन। अब देखो कहां है फ्रैक्शन, गॉट इट। अब अगली इक्वेशन लेते हैं, a बाय 3 प्लस बी बाय 2 इज इक्वल टू 13/6, वही इसको नहीं लेना होता अभी पहले, इन दोनों का एलसीएम 6, 3, 2, 6 होता है 2 को ऊपर मल्टीप्लाई करो 2a, 2, 3, 6 होता है 3 को ऊपर मल्टीप्लाई करो 3b और 13/6, ठीक है। अब जब एक फ्रैक्शन इधर हो एक फ्रैक्शन इधर हो तो मैंने क्या बोला है क्रॉस मल्टीप्लाई, लेकिन एक फ्रैक्शन इधर हो एक फ्रैक्शन इधर हो नीचे अगर कैंसलिंग हो रही हो तो 6, 1, 6, 6, 1, 6 कैंसिल भी हो सकता है, याद रखो जिन बच्चों का मैथ्स अच्छा है उनको यही चीजें तो पता है कब कैंसिल करना है। अब कई बच्चों को मान लो ये आ जाए 2a प्लस 3b बाय 6 इज इक्वल टू 1/6 प्लस 7a, मान लो ऐसा कुछ आ गया, अब बच्चे इसको कैंसिल करते रॉन्ग हो गया, मैंने क्या बोला वन फ्रैक्शन, इधर तो ये भी है ये अलग है ना वन फ्रैक्शन, बताओ। तो छोटी छोटी बातों का बेटा ध्यान रखना पड़ता है। अब आगे का आपको होमवर्क दे रहा हूं, डू योर सेल्फ, ठीक है। अब आप इसको a और b की वैल्यू किसी भी मेथड से निकालो, दोनों इक्वेशन आपके पास हैं, ठीक है, एलिमिनेशन से सॉल्व करो जिस मर्जी से, जो मैंने पहले स्टेप्स करवाए हैं पहले वाले क्वेश्चन में वैसे ही कर लो, ठीक है। और लास्ट में इनको रखना मत भूलना, 1/x और 1/y को b के इक्वल, ठीक है। विश यू ऑल द बेस्ट बेटा, कीप ऑन वर्किंग वेरी हार्ड एंड लर्न थ्रू प्रैक्टिस, थैंक यू।